वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस एलआईसी सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के बारे में। कहाँ टोटल अमाउंट ड्यू आता है, कहाँ मिनिमम अमाउंट ड्यू आता है, क्या स्टेटमेंट डेट है, क्या ड्यू डेट है, कितने हमने ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड पर किए हैं, क्या हमें रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मिले हैं। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम से पहुँचता है। ये मेरे एक्सिस बैंक के LIC सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको नाम और आपका मेलिंग एड्रेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है टोटल अमाउंट ड्यू। यहाँ पर जितना भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब पिछले महीने जितना भी आपने खर्च किया है, वो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हो, वहाँ जाकर देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है, ठीक है, और कितना परसेंटेज होता है। तो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। टाइम से कितने टाइम के बीच का ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है। पेमेंट ड्यू डेट वह डेट होती है जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का जो है टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट ड्यू डेट होती है। स्टेटमेंट डेट जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है, जो ट्रांजेक्शन किए उसका जो स्टेटमेंट बन के आपके मेल पर ये जो स्टेटमेंट मिलता है वो स्टेटमेंट डेट होती है, ठीक है। तो इस दिन आपका स्टेटमेंट बन के आता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि टोटल अमाउंट ड्यू आपका ये है और आपकी ड्यू डेट ये है, इस दिन से पहले पहले आपको इसका पेमेंट करना है, तो ये बताया जाता है। प्रीवियस बैलेंस मतलब पिछला जो स्टेटमेंट बना था वो कितना बना था, यहाँ पे आएगा। अगर आपने प्रीवियस मंथ में कोई ट्रांजेक्शन किए थे तो वो आपने कितना टोटल अमाउंट ड्यू आया था, उसका पेमेंट आपने कितना किया था, ठीक है, और आपने अब इस महीने कितना आपने पेमेंट जमा करा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और इस महीने आपने क्या परचेजिंग करी है, कैश एडवांस अगर आपने निकाला है क्रेडिट कार्ड से ATM के माध्यम से तो वो यहाँ दिखाई देगा, किसी भी तरीके के अलग चार्जेज आपके यहाँ लगे हैं तो वो यहाँ दिखाई देगा, और टोटल पेमेंट ड्यू तो आपका कितना पेमेंट ड्यू अभी बाकी है जो आपको इस डेट के दिन पे करना है, ठीक है। तो मैंने इस महीने में 3 ट्रांजेक्शन किए थे, 20/3/2023 को एक किया था और 21/3/2023 को 2 ट्रांजेक्शन किए थे, ठीक है। तो मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर पर 3 ट्रांजेक्शन किए थे और इस पर टोटल मिलाकर 30,000 रुपये के हुए थे। तो ये स्टेटमेंट बन के आ गया है कि 30,000 रुपये का पेमेंट आपको 11/4/2023 से पहले करना है इसका पेमेंट, और इन पर मुझे जो 30,000 पर रिवार्ड पॉइंट मिले थे 1% के हिसाब से, मतलब 100 रुपये पर एक रिवार्ड पॉइंट मिल रहा था, तो 30,000 रुपये मुझे 300 रिवार्ड पॉइंट अर्न हुए हैं, 200 मेरे पहले के रिवार्ड पॉइंट थे इसमें, तो टोटल मिलाकर मेरे 500 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर हो चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड पॉइंट है हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू और जो जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मर्चेंट कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, डेट देखने को मिल जाएगी, जो आपने खर्चा किया है वो DR में दिखाई देगा और जो आपने जमा किया है वो CR में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये है LIC सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, और ये जो बिलिंग साइकिल चलती है वो चलती है 30 से 45, 1 से 30, तो इन दिनों के बीच में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पर स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। तो इस दिन स्टेटमेंट बन के आ गया आपका और पेमेंट आपको इस दिन करना है, तो ड्यू डेट आपकी ये आ गई। तो इस तरीके से साइकिल चलती है, इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट बन के आ जाएगा और यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि इतने दिन के भीतर आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं LIC सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का ये मेरा स्टेटमेंट है। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।